कैसे रहते हो तुम्हारी फूफो की? आपकी पूछ रही है? इतनी हमें भी पता है कि फास्ट ट्रेवल्स क्या होती हैं। फास्ट ट्रेवल्स सुना तुम्हारी फूफो की डेथ हो गई है जी। बहुत मुबारक हो जी। नहीं मेरा मतलब आप मुबारक सलामत पता नहीं कहाँ रहे ये सारे। अच्छा वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कैसे डेथ हुई तुम्हारी फूफो की? आपकी पूछ रही है क्योंकि यहाँ पर के ना मामू है ना खाला लेकिन फूफो है, वो भी आठ और वो भी हट्टी कट्टी। हट्टी कट्टी क्या? कट्टी कट्टी वो एक्चुअली ना मेरी फूफो डायबिटिक थी। वो क्या होता है? अब उनकी शुगर थी ना। अच्छा तो उन्हें मिठालू था? मिठालू तो बहुत ही खतरनाक। अरे उनकी ना डायबिटीज नहीं हुई, वो उन्हें वो थी हाइपरटेंशन। वो क्या होता है? उन्हें वो हाई ब्लड प्रेशर था। अच्छा तो उन्हें नमकालू था? वैसे ये नमकालू भी बहुत खतरनाक। मगर उनकी ना हाइपरटेंशन से भी नहीं हुई, एक्चुअली उन्हें दिल कालू था। दिल कालू? ये क्या होता है? हार्ट ट्रबल। दस असी को अनपढ़ गवा थोड़ी हाँ। बेटी हमें भी पता है कि फैट ट्रबल्स क्या होती हैं। फैट ट्रबल? फैट ट्रबल नहीं, हार्ट ट्रबल। वो जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहे, नेरे आ आ आ याल मावे मैं ठहर गई आ आ आ मैं मर गई आरे आ आ आ याल मावे मैं ठहर गई आ आ आ मैं मर गई हैं। तो बेटा इसमें दिल का जिक्र किधर है? तो जब वो मरी होगी तो उनका दिल भी तो रुका होगा ना। अच्छा तो दिल की बीमारी जान लेगी तुम्हारी फूफो की? ये तो बहुत ही खतरनाक। लेकिन उनकी तो हार्ट अटैक से नहीं हुई। तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हारे फूफो की डेथ हुई थी? डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक तो। और उनका जनाजा पढ़ाया गया था जी मोहल्ले की जामिया। और फिर उनको दफनाया भी गया था मेरी आंखों के सामने। अब मुझे ना बेटा सिर्फ डेथ के बारे में बताना वरना मैं उठ के जा रही हूँ। जो फूफो सोई है उसके बाद अब कयामत की देरी जागेंगी। मतलब तुम्हारी फूफो की डेथ रात की सोती हुई हुई है? मतलब तुम्हें नहीं पता कि इनकी डेथ कैसी हुई है? लख दी लानत तेरे पे।